यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लाए गोकुल धाम सोसाइटी। हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताएगी कि इसे डाउनलोड कैसे करें, पर प्रोसेस जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और है ना, पहले आप लोग हमने जैसी गोकुल धाम सोसाइटी बनाई है उसे देख लीजिए, फिर प्रोसेस आपको हम बाद में बताएंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सोडी के गैराज के पास, क्योंकि यहाँ से हम आ रहे हैं हमारे गांव से, उसमें सबसे पास सोडी का गैराज ही पड़ता है। सोडी गैराज, ये देखिए, ये सोडी की गाड़ी है, ये कोई रिपेयर करने के लिए गाड़ी है, ये सर कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। पास वाला तो गाइस, अभी मैं सभी के ऑफिस दुकान वो सब दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि सबसे पास वो करते हैं हमारे। देखिए गाइस, आपको पता है कि सोडी के गैराज का मालिक कौन है? मुझे तो पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अगर नहीं पता है तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये है तो गाइस देखिए, अभी हमने सोसाइटी का गेस्ट रूम देख ही लिया है। तो देखिए, अभी हम चलते हैं सब ऑफिसों की तरफ सभी के। सबसे पहले हम देखते हैं तारक मेहता का ऑफिस। तारक मेहता एक राइटर है, और तभी यहाँ पे इतनी बुक्स बुक्स पड़ी है, और यहाँ पे बैठ के वो राइटिंग करते हैं। तो चलिए, अभी हम देखते हैं पोपटलाल का तूफान एक्सप्रेस। वो पोपटलाल कई तूफान में उड़ ना जाए, वो खुद ही सिकुड़ी पहलवान है। तो देखिए, ये है पोपटलाल का वो क्या बोलते हैं, तूफान एक्सप्रेस। ये देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है तूफान एक्सप्रेस। ये हमने लिखा है क्योंकि हमने सोचा, थोड़ा विचार किया कि अगर ये दीवार सुनी सुनी लगे तो एकदम बकवास लगेगी ना, इसीलिए। तो चलिए, अभी कहाँ चलते हैं आप अंदाजा लगाइए, अभी हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए, हम जा रहे हैं अब अय्यर भाई की लेबोरेटरी में। देखिए, यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए, और दूसरी जगह अभी उन्होंने बताई नहीं है हमें, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पे एक और जगह रह चुकी है, बच चुकी है, सबसे मेन जगह बच चुकी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गोडाउन है ये। देखिए, यहाँ पे सामान सामान सिर्फ और सिर्फ सामान है। और ये देखिए, यहाँ पे एक जगह है, मतलब टेबल और चेयर है, यहाँ पे जेठालाल बैठते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सामान ही सामान पड़ा है, इन डब्बों में है पूरा सामान भरा है। फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि वो जेठालाल ने नई नई दुकान खोली है ना, इसलिए बाकी दूसरे चेस्ट में है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में अगले वीडियो में। तो चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं बाहर।
हाँ तो गाइस, मैंने दिन भी कर दिया है, बारिश भी रोकती है, लेकिन अभी दुकान में जाना बाकी है मेरे दोस्त। देखिए मैं मिल चुकी है दुकान, मिली हुई पहले थी लेकिन हम खोज चुके हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये है टीवी, फ्रिज, वो सब, वॉशिंग मशीन। देखिए ये फ्रिज है, और ये नट्टू काका का काउंटर, जहाँ पे नट्टू काका बैठ के करते हैं। सेठ जी जरा पगार बढ़ा दीजिए। और ये देखिए अगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंटर, ये देखिए। भले ही यहाँ पे कोई कस्टमर आता आया नहीं है, क्योंकि जेठालाल यहाँ पे नहीं है, हम तो चोरी छुपके छुपते छुपाते आए हैं। ये देखिए गेट तोड़ के आए हम, कुर्सी के ऊपर से भाग लिया भाई। चलिए अभी बाहर चलते हैं। चलिए तो आप सपोर्ट कीजिए, जब तक हम दूसरी जगह पहुंचते हैं तब तक आप ये कमेंट कर, ये सोचिए कि हम अगली जगह कौन सी है जहाँ पे हम जा रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओहो, कुछ लोगों का मुझे कमेंट भी आया है। किसी का कहना है मंदिर में, किसी का कहना है सोसाइटी में, और किसी का कहना है पुलिस स्टेशन। तो जिसका भी कहना है पुलिस स्टेशन, वो सब सही है, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं पुलिस स्टेशन पर। अरे ये क्या टेम्पो खड़ा है, आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ी लगती है मेरे को। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं रे यार, ये तो पुलिस की गाड़ी है, भले ही है, लगती है आइसक्रीम बेचने वाली है। चलिए अभी हम चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पर रहता है चालू जी। चालू के आगे क्या सरनेम क्या है, मैं भूल गया, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ये देखिए ये सब जेल वेल है, यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही दयावान व्यक्ति है, और हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते, ऐसा पाप हम नहीं कर सकते। तो चलिए एक सीक्रेट रास्ता मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोनों तरफ सेम रास्ता है, तो मैं की तरफ से जाना पसंद करूँगा। ये तो सोसाइटी के अंदर जाता है ये एक रास्ता, और ये जो रास्ता है ये जाता है सोसाइटी के बाहर। चलिए अभी मैं लेके जाता हूँ आपको सोसाइटी के अंदर। बीच में ही हम फूल तोड़ने लग गए थे, तो थोड़ा वक्त लग गया। बाजू की सोसाइटी भले वो हमें ना दिखती है, मतलब नहीं दिखती है शो में, लेकिन मेरे पापा एक बार घूमने गए थे तो उन्होंने फोटो खींची थी, तो उसमें थी, तो मैंने सोचा सभी को ये सच्चाई बता दी जाए। और ये है एक गाड़ी जिसमें जो रेस्टोरेंट जैसी है, और जहाँ पे खाना बेचते हैं। ये देखिए ये है गेस्ट हाउस, और हाँ हाँ ये है गेस्ट हाउस। ये देखिए यहाँ पे सोने को भी है, खेलने को भी है, सब है। ये देखिए ये संडास है, ये देखिए ये ऊपर भी जाता है, ऊपर भी कुछ कुछ बेड वेड लगाए हुए हैं। चलिए तो फिर चलते हैं बाहर, चलते हैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग जब तक बाहर निकलते हैं आप लाइक कीजिए। चलिए तो चलते हैं। ये देखिए ये स्त्री वाले की दुकान, जहाँ सभी स्त्री करवाने के लिए आते हैं, सिवाय एक बंदे को छोड़कर। उसका नाम है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके बताना होगा।
वीडियो के एंड में हम ये ज़रूर बताएंगे कि वो कौन है जो इस्त्री नहीं करवाता है। हम आपको अभी के लिए एक हिंट देते हैं, वो चश्मा पहनता है पुराने जमाने का। सर ये कुछ याद आया? याद आया ही होगा, अगर जिसमें दिमाग ना वो तो कमेंट करके फटाक से बता देगा। और जो ऐसे फट्टू है, एकदम डफर है, वो कुछ बता नहीं पाएगा। सॉरी, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बतानी चाहिए, और सच हमेशा कड़वा होता है, कड़वा होता है। चलिए, इन पेटियों में है जेठालाल के और सोडी के और तारक मेहता के कपड़े, और ये देखो यहाँ पे कपड़ा भी पड़ा है, ये पड़ी इस्त्री, ये इस्त्री करता है। वैसे वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए हमने कपड़े चोरी करके पहन लिए। चलिए, ये है अब्दुल की शॉप, सोडा शॉप भी बोल सकते हैं हम इसे। ये देखिए, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं आराम से। यहाँ पे कुछ खाने का सामान है क्या? ओहो, अब्दुल ने तो केक रखा है। चलिए थोड़ा केक खाते हैं। चलिए, हमारा पेट भर चुका है। जरा एक बार देखते हैं कि अब्दुल कितना कमाता है। ये देखिए गाइस, चलो अभी चलते हैं सोसाइटी के अंदर। नहीं, सबसे पहले गार्डन में जाएंगे, बाद में चलेंगे। बाद में मेरा एक पेट है जिसका नाम है दबंग, वो बाद में कहता है चलो नी सोसाइटी में। ये देखिए, अभी हम मंदिर में आए। हो देखिए, ये त्रिमूर्ति की मूर्ति है। प्रणाम प्रणाम त्रिमूर्ति जी, पाई लागू त्रिमूर्ति जी। चलिए अभी हम चलते हैं। इस मंदिर से दूर ही रह कीजिए, यहाँ पे मकड़ी के जाले बहुत है, ये आपको दिख रहे होंगे। चलिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन। देखिए, गार्डन में झूला वूला सब है, झूलना चाहिए ना। तो सबसे फर्स्ट जगह है गोकुलधाम का झूला, गोकुलधाम के गार्डन का झूला। ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये एकदम फट्टू बकवास झूला है, क्योंकि ये झूला की स्प्रिंग विस्प्रिंग सब टूटी हुई है। अरे गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मेरी आवाज़ थोड़ी बदल सकती है। सो गाइस, मेरे भाई का गला बैठ चुका है, तो अब मैं आपको इंट्रो देता हूँ। तो गाइस, क्या आप लोग तैयार हैं गोकुलधाम में जाने के लिए? ठीक है, गाइस हम अब जा रहे हैं गोकुलधाम में। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए, सबसे ऊपर वाला माला देख रहे हैं, वो बबीता जी का घर है। दूसरा मंजिल, और वो सबसे ऊपर वाला माला है ना, वो तो आप जानते ही है, एक खड़ू खड़ूस कुआरे और जगह पोपटलाल का घर है। सबसे पहले तो हम लोग आपको जेठालाल का घर दिखाते, मेन स्टार। पहले मेहता साहब का घर पास है, तो उन्हीं का देख लेते हैं। देखिए, ये उनका टीवी है, ये उनकी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। सेट चले तो ये उनका बेडरूम है, बेडरूम में भी किताब है। ये उनका बाथरूम है, ये उनका किचन है,
अभी मैं चलता हूँ अंजलि, तारक मेहता मेरे को करेले का जूस पिला देगी। नीम मेहता साहब का घर देख लिया, अब उनके परम मित्र का घर कैसे छोड़ दें। ये देखिए यार, दो दरवाजे हैं तो यार दरवाजा टूटा हुआ, इससे चलते हैं। ये देखिए पहले इस साइड जाते हैं, ये भी है, वो दूसरी साइड से एंट्रेंस गाइस। ये डाइनिंग टेबल है। और गाइस अब आगे चलते हैं, ये वो चंपक चाचा और टप्पू का रूम है, देख ही सकते हैं कितना पैसा कर कितना खर्च करके बनाया जेठालाल ने। और ये उन दोनों का बाथरूम। अरे गाइस किताबें तो इतनी पड़ी है, जैसे कि टप्पू पहली क्लास में 12th पास कर लेगा, पर वो कभी पास, वो ऐसे किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ता। ये वो बालकनी चंपक चाचा की, जहाँ से वो हमेशा कुल्ले करते और आत्माराम चिल्लाता है। आत्माराम जेठालाल तुम्हारे बाबूजी को कुत्ता समझाओ कुत्ता। तो गाइस अभी हम चलते हैं जेठिया के रूम में, ये हम यहाँ से बढ़ते हैं, ये ऐसे चल कर आते हैं। तो ये यहाँ सोफा गाइस, वो क्या है ना, वो सोफा पुराना हो गया था तो मैंने नया मंगाने को कह दिया। ये देखिए झूला है उनका, जा चंपक जा जा। और डाइनिंग टेबल यहाँ से शिफ्ट कर दिया आपने, देखी होगी उस तरफ के हॉल में। ये जेठालाल सूरत दादा को यही से प्रणाम करता है। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु, ओम विष्णु नमः, ओम बबीता नमः, ओम जरा पानी अर्पित करम। गाइस अब हम सूर्य देव को पानी अर्पित करेंगे। ओम विष्णु नमः, बस इतना पानी मेरे घर में बहुत होगा। काफी पानी वेस्ट करते हो तुम। आवाज आती है जेठालाल, अरे वाह जेठालाल। गाइस आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, ये सब आ जाएगी। ये है जेठिया का रूम, ये है उसकी अलमारी, ये देखिए कुछ अलमारी खाली नहीं होती। यार जेठिया मस्त मजे से सोता है, दया होगा। और ये तो आप समझ गए हैं उन दोनों का बाथरूम है। गाइस अभी जेठालाल के घर का टूर हो चुका है, अभी हम यहाँ से चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अय्यर और बबीता का घर, हल्का जल्दी चलते हैं। अय्यर भाई को आज ज़रूरी मीटिंग में जाना है। ये है ए बी, ऊपर चलते हैं। ये पहले एक बार इस रूम को देख लेते हैं, ये अय्यर का रूम है। देखिए कितना बड़ा टीवी लगा है, मस्त या बैठ कर देखता है वो ऐसे टीवी। ये डाइनिंग टेबल, और ये डाइनिंग टेबल जहाँ वो लोग नाश्ता वास्ता करते हैं। ये उनका बेडरूम है। आप ये सोच रहे हो कि इनका रूम जेठालाल से बड़ा, जेठालाल ने खर्चा ज़्यादा किया है, इन लोगों ने मतलब ऐसे सस्ते में ही काम चला लिया है। दिखाता हूँ यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करता है, एक बार अंधेरा बहुत है, एक्सपेरिमेंट करते करते लाइट ही उड़ गई। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसा ये रो ऐसे चिल्लाता है जेठालाल पर, अयो जेठालाल क्या करते हो तुम। यहाँ से ईयर ऐसे जेठालाल को चिल्लाता है, कहता है गाइस वैसे कि आप लोगों को ईयर भाई पसंद है, मेरे को तो ऐसे ज़्यादा नहीं, मेरे को तो जेठालाल पसंद है अपना। गाइस अभी इन लोगों के घर से निकलते हैं, अय्यर भाई आ गए तो मेरे को चप्पल से मारी के घर में बिना परमिशन के किसके। अभी हम लोग पोपटलाल के घर में जाने वाले हैं, सॉरी सॉरी गलत रूम में आ गया। गाइस कभी कभार इंसान हो हमेशा मिस्टेक हो, कभी कभार गलती से मिस्टेक हो जाती है। ये देखिए ये पोपटलाल, पोपटलाल का रूम, वो बिजली का बिल देते ही नहीं है। ये देखिए कितना अंधेरा, रुकिए हम उनके बिजली के लिए ग्लो स्टोन लगा देते हैं जिससे उनकी रोशनी आए।
घूम चुके हैं शायद वो भी हम। अब हल्की रोशनी हुई रूम में, देखिए अकेले रहते रहते बेचारे पोपटलाल का क्या हाल हो गया। फिर भी देखो बेड डबल वाला है, सिंगल बेड नहीं रख सकते। उन्हें भी होता है कोई तो आएगी उनका बाथरूम। हम आपको टेरिस भी दिखाएंगे जल्दी। रसोई भी कितनी खाली है उनकी। गाइस रसोई में हल्की रोशनी करते हैं। हाँ उनका डाइनिंग टेबल, ये उनका किचन जहाँ वो खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं या वो चाय पीते हैं, नजारा अंडे लेके चाय पीते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, एक इस वक्त चाय नहीं है, दूध ही पी लेंगे ऐसे। पोपटलाल अरे इतनी जल्दी मत पी, अभी गर्म लग जाएगा बाद में, तू आती बात से झगड़ेगा मोटू कर करके और मोटू से बोलेंगे सुबह बुआ रहे और तू बाद में झगड़ते झगड़ते एकदम। अब हम टेरेस पे चलते हैं, देखते हैं टेरेस से नज़ारा कैसा है। याद है आप लोगों को जैसे एक एपिसोड में यहाँ टप्पू सेना का भूत दिखा था जो दरअसल चंपक चचकी उड़ती हुई धोती थी। गाइस कोकुलधाम सोसाइटी के पीछे तो बड़ा स्विमिंग पूल है। और ये देखिए गाइस अभी हम यहाँ से चलते हैं। ये मैंने खुद ही मारी बॉर्न बीटा की शक्ति से मर गया। अभी हम चलते हैं आत्मा राम के घर पर। पहले हम नीचे वाला वही बीटा रिपोर्ट है, बहुत छोटा है तो घर पर जाते थे उसमें अपना काम करती है। डबल बेड लगाया सब लोगों को। ये है आत्माराम सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े और भिंडी मास्टर और पिडू और भिड़े। देखिए अभी पहले हम देखिए ये सकाराम तो पहले हम जाते हैं भिड़े के घर पे। चलिए मेरा गला वापस बैठ रहा है तो इतनी देर खड़ा हुआ था अभी बैठ रहा है तो वापस किसी और को फोन दिया जाता है। गाइस हम ऐसे ही चलते हैं क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं यही उनका घर है, किताब इन्हीं के घर में रहती है। ये बालकनी है उनकी, ये देखिए ट्यूशन क्लास। भीड़े शिक्षा देता है, मेरे को उसकी शिक्षा पसंद ही नहीं, उसका बोर्ड ही तोड़ दूंगा। ये उसके एग्जाम लिखने का है तो दिया। अब बच्चे फ्री है या उसका टी वी या गोली या गोली या फिर हमेशा माधवी भाभी जो भी बनाती थी वो खा के चला जाता था। ये मस्त ऐसे घूमने के लिए। हम इसके बाद जाएंगे सोड़ी के घर पर। आत्मा राम के घर में कितने कमरे,
ये देखिए, ये उनका बेड, सोडी का बेड। सोडी ने खर्चा बहुत किया है इतना छोटा बेड, साथ में गोभी गोगी भी सोता है। बड़ा आने के बाद वो भले ही रूम बदल लेता है, फिर भी सो तब तक तो उन्हीं के साथ। ये है गोभी का रूम, नहीं ये सोनू का रूम है, ये गोभी का रूम है। ये देखिए गोभी भी पढ़ाई करता है गाइस, और मेरे को पता ही नहीं था। वो तो वो बल्ले 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 कितने के दाग चार करता ही नहीं था गाइस। अभी हम लोगों को शायद हाथी भाई के घर चलना चाहिए ना, हाथी भाई बुरा मान जाएगी। ये जी हाथी भाई के लिए ये देखिए हाथी भाई का घर, यहाँ पर वो दिखाते हैं, यहाँ पर वो पेशेंट आते हैं, मतलब ये वो स्कैन करने के लिए होता है पेशेंट को कि उनके क्या हुआ है। देखिए सोफा इतना बड़ा है क्योंकि हाथी भाई भी और लोग नहीं है इसलिए। हाँ ये उनका बेड है, ओ कुछ ज़्यादा बड़ा है क्योंकि वो भी कुछ ज़्यादा बड़े हैं। और कितना अच्छे से सजा है गाइस, डॉक्टर के घर में गाइस वैसे चोरी करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं ज़्यादा। ये है गोली का रूम, वो भी पढ़ाई करता है, पढ़ाई उसकी किताबें गाइस, उसकी बैग तो खाली है। ये रसोई, गोली के कमरे के बाद ही रसोई, यानी खाना खाओ पड़ जाओ। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से भी बाहर चलते हैं। तो गाइस जब किसी का घर बच गया है तो कमेंट में बताओ। सो गाइस अभी हम लोग आपको दिखाएंगे मोहन लाल का घर, जिन्होंने GPL फर्स्ट में बीड़े की टीम को स्पॉन्सर किया था। जी हाँ वो ही मोहन लाल, उनका घर गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा। आप सोचोगे सबसे पैसा तो जेठालाल का कमाता है, पर गाइस उन्होंने वो जेठालाल से भी ज़्यादा कमाते हैं। ये देखिए उनकी बालकनी से कितना अच्छा नज़ारा आता है। अभी हम उनके घर में चलते हैं, ये आते ही ऐसे बाहर का नज़ारा लेते लेते खाने के। अभी ये उनके काम करने का सारा एक ही बेडरूम है, देखो क्या मस्त है उनका बेडरूम, और उनकी तिजोरी इतनी सारी है। नहीं नहीं तिजोरी किसी की चेक नहीं करते हम, ये उनका बाथरूम और बाथटब है उनका, हाँ महंगा वाला, और वो सामने बाथरूम। गाइस इन्हीं के घर में बाथरूम है, समझ रहे हो ना, ये इनके पास कितना पैसा आता है। चलिए तो बात चलती है, एक बार देख ले रहे कुछ बता नहीं, ये उनकी पढ़ने का काम करने का। वैसे भाई आप लोग हमें कमेंट में बताइए वो काम क्या करते हैं, हम लोग भूल चुके हैं। गाइस अभी जो ये वीडियो बना रहे थे उनका गला एक बाठी को जो है, तब वो आपको क्लब हाउस दिखाएगी। तो गाइस चलिए अभी हम चलते हैं क्लब हाउस में, क्लब हाउस में बाद में जाएंगे, पहले हम जाते हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े का वो नोटिस बोर्ड, दो तीन जाते वो स्विच देखा, बकवास बकवास विचार लिखते हैं। पर एक बार ये चोरी हो गया था तो उन्होंने पुलिस तक को बुला लिया था, वैसे उन्होंने नहीं सोड़ी को बुलाया, सोड़ी ने बुलाया, लेकिन कहा उन्होंने था अगर सोड़ी ना बुलाता ना तो भी वो बुलाई थे। अगर इसमें ये पूरा भरा हुआ हो ये वाला नोटिस बोर्ड तो ये भरा ये बड़ा सारा इस पर लिख देते हो, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर रहते हैं जिन्हें पोपटलाल चोरी करके ले जाते हैं और बाद में उन्हें बेचते हैं चोर बाजार में, ऐसा मेरा मानना है। आप पोपटलाल को शिकायत मत कर देना। चलिए तो अभी इसके ऊपर क्या है जरा कमेंट कर दीजिए। चलो मैं
चलो आपको दिख ही गया होगा ऊपर हैक लगा हो और पता भी होगा। चलिए तो गाइस अभी हम चलते हैं क्लब हाउस में। ये क्लब हाउस की बालकनी और यहाँ पे वो टप्पू सेना ने टेबल लगती। ओहो पूरा क्लब हाउस खाली पड़ा है। सारा सामान लूट किया था। अरे यहाँ ओहो मैं तो भूल ही गया यहाँ का तो सारा सामान ही टूट चुका था। चलो तो गाइस उनको चलते हैं फिलहाल अभी भगवान के पास नहीं। अरे यहाँ पर तो कुछ फालतू सामान पड़ा है। चलिए क्लब हाउस का सामान मैं फोन करके मंगा लेता हूँ। हेलो हाँ अब्दुल क्लब हाउस का कुछ भी सामान नहीं है यहाँ पर। भीड़े भाई आज तो सारा सामान नहीं आ पाएगा पर हल्का सामान आ सकता है। अरे मैं भीड़े नहीं हो रहा है। तो आप कौन है? अच्छा निक्की भाई। हाँ हाँ चलो वो छोड़ो अभी सारा सामान आ जाए या कल तुम पहुँचा जरूर देना। कल तक आ जाना चाहिए सारा सामान। हाँ निक्की भाई कल तक आ जाएगा। चलिए तो अभी हम नीचे चलते हैं। हम लोग आपको दिखाने वाले हैं सोसाइटी ऑफिस। देखिए यहाँ पे हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ऑफिस। अभी यहाँ पे ऑफिस है तो सोसाइटी का ही होगा। ये तो आप में भी दिमाग यहाँ का भी सामान वो भीड़े को मैं फोन करके बोलता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ सामान ही नहीं है। भीड़े को बोलेंगे अभी। चलिए अभी मैं आपको सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ। देखिए ये है भगवान की पिक्चर। चलिए थोड़ा पास जाके दिखा देते हैं हम आपको। अरे वाह वाह मैं तो धन्य हो गया ये सब देख के। और ये देखिए भगवान जी के ऊंट। अरे ओ अरे टप्पू यहाँ क्या कर रहा है तू?